खबर बाराबंकी से है, जहां जो रब है वही राम का संदेश देने वाले सूफी संत हाजी वारिस अली शाह के पिता कुर्बान अली शाह की याद में लगने वाला विश्व प्रसिद्ध देवा मेला एवं प्रदर्शनी का आगाज हो चुका है। वहीं इस बार मेला और प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 20 अक्टूबर तक होना था, लेकिन यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के निधन के चलते हुए राजकीय शोक के कारण देवा मेले का उद्घाटन 11 अक्टूबर को स्थगित करके आज से किया गया। मेले का उद्घाटन डीएम अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति सिंह ने अजाज रसूल गेट पर शहनाइयों, पीएससी बैंड की मधुर ध्वनि और आतिशबाजी के साथ फीता काटकर किया। इस दौरान शांति के प्रतीक कबूतर भी उड़ाए गए। दो वर्ष बाद देवा मेला का आयोजन किया जा रहा है और आज उसका शुभारंभ मेरी धर्मपत्नी द्वारा परंपरागत रूप से किया गया है। इस वर्ष मेले में हम लोगों को आशंका है कि लोग ज़्यादा आएंगे, तो उसके लिए सुरक्षा के दृष्टिगत हम लोगों ने सीसीटीवी के कैमरेज की व्यवस्था, कई स्थानों पर जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं वो करी गई हैं, काफ़ी पुलिस फोर्स डिप्लॉयमेंट है, मजिस्ट्रेट्स को नामित किया है और जो रास्ते हैं उनको भी सुगमता रहे लोगों को आने जाने में, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जो पारंपरिक रूप से दुकानें लगती थी उन लोगों से अनुरोध करके उनका भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। मेला का उद्घाटन हो चुका है, आज इसी गेट से शेख मोहम्मद हसन गेट से यहाँ अविनाश कुमार सिंह की पत्नी प्रीति सिंह ने फीता काटकर इस मेले का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि 2 साल कोरोना काल में यहाँ देवा मेला नहीं लगा था, लेकिन अब की जायरीनों को काफ़ी उम्मीदें हैं, यहाँ मेला लगा हुआ है, काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतज़ाम है, पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं, 100 सीसीटीवी कैमरों की नज़र में यहाँ पर निगरानी की जाएगी, मेले में कोई भी आपत्तिजनक घटना ना हो इसके लिए काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं और आने वाले जायरीनों को और देवा के वासियों को काफ़ी उम्मीदें हैं इस मेले से, क्योंकि 2 साल के बाद ये पूरा मेला हो रहा है। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए वजी सिद्दीकी।